नाउ 31 के और वाला पार्ट देखिए, हमें इस टर्म 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा को 2 सेक थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। नाउ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो दे ही रखे हैं, साइन साइन कॉस से ज्यादा हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहां पर आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और यहां बन गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और उसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाएं, 1 का स्क्वेयर 1, 2 साइन थीटा, 1 ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और नीचे है हमारा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां इन दोनों को साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हो गए, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस 1 इज 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड। और हमें इस टर्म को इसी के बराबर प्रूव करना था, तो केवल हमने एलसीएम इसका लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया।